आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए डूंगरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 5 दिन पहले शुरू हुई जनजाति गौरव यात्रा का आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को डूंगरपुर शहर में समागम हुआ। शहर की जनजाति गौरव यात्रा निकली है और लोगों ने जगह जगह फूलों से यात्रा का स्वागत किया। बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजाति नायकों के स्वतंत्रता संग्राम में किए योगदान को याद किया। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए 10 नवम्बर से जिले के अलग अलग हिस्सों में जनजाति गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। 4 दिनों तक जिले भर में घूमने के बाद मंगलवार को आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी गौरव यात्रा डूंगरपुर शहर की तहसील चौराहे पहुंची। यहां पर यात्रा का समागम हुआ और इसके बाद तहसील चौराहे से यात्रा रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गेप सागर की पाल नगर परिषद सोनिया चौक मानक चौक दर्जीवाड़ा होते हुए पुनः गेप सागर की पाल पर पहुंची और यात्रा का समापन हुआ। गौरव यात्रा में अलग अलग जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जनजाति गौरव यात्रा का शहर में जगह जगह पर स्वागत किया गया। जनजाति गौरव यात्रा के गेप सागर की पाल पर समापन के बाद आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में जनजाति गौरव यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं स्वतंत्रता के आंदोलनों में जनजाति नायकों की भी अहम भूमिका रही। 85 से ज्यादा आदिवासी आंदोलनों की अभी तक पहचान की जा चुकी है जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा में संत सुरमाल दास गोविंद गुरु बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। आजादी में उनके योगदान और बलिदान के प्रेरक को आमजन को बताया।